गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल क्या होता है कि जब अभी तक हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में क्या पढ़ा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को एडजॉइंट की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या हमें देखना है कि अगर हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो हम उसको कैसे जो है ए इनवर्स निकाल लेंगे। देन हमारा क्या हो जाता है, मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 4z = 6, 3x + 2y + 2z = 4 एंड 2x + 4y + z = हमारा हो जाता है 3। तो ये हो जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन दी गई है। अब हम इसको मैट्रिक्स में कैसे चेंज करते हैं, देन इसके बाद क्या हो जाता है कि पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं x, y, z वाले के आगे वाले जो है वैल्यू को, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 4 एंड 1, ठीक विद द साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो हमने सारा पॉजिटिव ले रखा है। देन इसके बाद क्या हो जाता है हमारा, अब एक्स वाई जेड है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 6, 4 एंड 3। तो इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है बी। तो इसके बाद क्या हो जाता है हमारा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यानी कि हमें जो है पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा एक्स निकालने के लिए, ठीक। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैसे जैसे हमने ए इनवर्स को हम किससे हेल्प से निकालेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू की हेल्प से निकालेंगे। तो यहां लिख देते हैं ए की वैल्यू हम 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 4 एंड 1। देन इसके बाद आपको फैक्टर निकालना रहेगा, ए वन वन का निकालो 2, 2, 4, 1। जिसने भी जो है ए इनवर्स निकालने की एडजॉइंट की हेल्प से वीडियो नहीं देखी हो वो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख ले। देन इसके बाद 2 - 8 हमारा क्या हो जाएगा -6। ए वन टू क्या हो जाएगा हमारा, ये है तो क्या हो जाएगा 3, 2, 2, 1। -4 ये हो जाएगा हमारा -1। A13 क्या आएगा हमारा 3, 2, 2, 4 = 12 - 4 = 8। देन A21 = ये निकालना है हमें तो ये रो ये कॉलम नहीं लेंगे, 3, 4, 4 एंड 1 -16 तो क्या हो जाएगा -13। देन इसके बाद A22 हमारा क्या आ जाएगा, ये है तो हमारा क्या हो जाएगा 2, 4 एंड 2, 1 -6। A23 क्या आएगा, A23 यानी कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा 2, 3, 2, 4। 8 - 6 = 2। अब हमें क्या निकालना, A31 निकालो। A31 में क्या हो जाएगा हमारा 3, 4, 2 एंड 2 तो क्या आएगा 6 - 8 = -2। A32 में क्या हो जाएगा हमारा, A32 यानी कि ये तो हमारा ये और ये नहीं लेंगे, ठीक। तो हमारा बच क्या रहा है, ये और ये 2, 4, 3 एंड 2। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 4 - 12 = -8। अब हमारा क्या बच रहा है, A33। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, A33 में क्या हो जाएगा हमारा 2, 3, 3 एंड 2। ये क्या हो जाएगा 4 - 3, 3 = 9 तो ये हो जाएगा -5। देन इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इस वैल्यू को हम लिख लेंगे तो A को फैक्टर AC ले लेते हैं इसकी वैल्यू का नाम, A11 -6, A12 -1, A13 8, A21 -13, देन A22 हमारा क्या आ रहा है -6, A23 2, A31 -2, A32 -8 एंड A33 हमारा क्या आ रहा है -5। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। ओके, देन अब क्या हो जाता है हमारा, पहले में पॉजिटिव देन निगेटिव है तो ये पॉजिटिव देन पॉजिटिव
देन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस देन माइनस, तो यहाँ माइनस, देन क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव, देन माइनस और यहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए सी। अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, हमें इसको ट्रांसपोज कर देंगे, 13 माइनस टू 1 माइनस सिक्स 8, 8 माइनस टू माइनस 5। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ए। तो मॉड ए निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, इसकी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई, 2 क्रॉस माइनस 6 देन माइनस 3 क्रॉस 1 देन प्लस 4 क्रॉस 8, तो क्या हो जाएगा माइनस 12 माइनस 3 देन प्लस 8 फोर जा 32। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 32, तो क्या आ जाएगा 17। ठीक, तो हमारा मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई, 17, मॉड ए इक्वल टू 17। तो ए इनवर्स निकालना हमें, अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 17, ये हमारा एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, तो ए इनवर्स हमारा निकल आया। ओके, देन इसके बाद क्या हो जाता है, ए इनवर्स आ गया, अब हमें क्या निकालना है, बी। तो हमारा बी क्या था इसमें, ये जो हमारा जो सिर्फ वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, ए थी, बी हमारा ये पार्ट था और एक्स हमारा ये पार्ट था। देन अब हमारा क्या लिखना रहेगा, एक मिनट इसको भी हटा देते हैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना रहेगा, बी। तो बी हमारा क्या है, बी 6, 4 and 3। ठीक, और यहाँ क्या हो जाता है हमारा x, तो x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू x, y and z। देन अब हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 17 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस पे जाएगा माइनस 36 प्लस 13 फोर जा क्या हो जाता है 52, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस 6। ठीक, अब ये इसमें आ जाएगा 1 6 6 4 6 सॉरी माइनस 24 देन 8 3 24 देन 6 8 48 6 12 sorry 6 2 4 2 माइनस 8 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 15। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। देन इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स एंड वाई की जेड की वैल्यू। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1/17 ये क्या हो जाएगा 52 है और ये हमारा माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहले तो 42 और प्लस 52 ये हमारा क्या हो जाता है माइनस में। देन इसके बाद हमारा क्या है, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, सिंपली सॉल्व, ये हो जाता है हमारा 48 में हमारा माइनस क्या जाएगा, ये हमारा 15 और 8 क्या हो जाएगा हमारा 23, तो ये हो जाएगा हमारा 10 6 और यहाँ क्या बचेगा हमारा 5 और इसमें 2 25। देन अब हमारे माइनस 17 वो 1/17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10/17 6/17 एंड 25/17। अब ये किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, डिवाइड होता तो हम इसको डिवाइड कर देते। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 10/17, y की वैल्यू क्या आ गई 6/17 और z की वैल्यू क्या आ गई 25/17। तो इस तरह से अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी गई है तो हम मैट्रिक्स को फाइंड करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।